हाय डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन, जो एनसीईआरटी 9th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, और जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये चैप्टर है मोशन। मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं, और मोशन से रिलेटेड ये नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं। देखिए, मेन टॉपिक्स इसमें पार्ट वन में क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो सभी हम पार्ट वन में देखने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट वन शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला है मोशन। पहला क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट मोशन है। तो मोशन के लिए क्या कह रहा है, ठीक है, मोशन के लिए कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब क्या बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, मतलब मूवमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो मूवमेंट होता है, उसका पोजीशन चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसको ये बोला जाता है मोशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मोशन। सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज ए मोशन। इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्या देखने वाले हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन की तरफ, तो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर मोशन। उसको क्या बोला जाता है, रेक्टिलीनियर मोशन। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रेक्टिलीनियर मोशन, तो लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए रेक्टिलीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन हाईवे। नेक्स्ट बोल सकते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी हम देखने वाले हैं। तो वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, देखिए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वेक्टर उसको बोलते हैं जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी है जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, बिना दोनों की ये स्पेसिफाई नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में बताया फोर्स बता देगा कि मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन या 3 न्यूटन या 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट ये भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी इसमें क्वेश्चन उठेगा। तो जिसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मास कितना है, तो बोल सकते हैं 2 kg 3 kg। अब उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस डायरेक्शन में मास है, नहीं, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं, वेट के लिए डायरेक्शन ज़रूरत पड़ेगी। तो मास क्या है, स्केलर, और वेक्टर अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा, सॉरी वेट बोला जाएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वैसे स्केलर क्वांटिटी विथ विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड से ही स्पेसिफाई हो जाता हो, उस क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास है, टेम्परेचर है, टाइम है। ठीक है, अब टेम्परेचर, तापमान, मान लो 0°C, 30°, 40°, अभी इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, किस डायरेक्शन में 30°, ऐसा नहीं क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं ठीक है बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप लोग को हैबिट बने कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा कंप्लीट हुआ तो इसलिए मैं ठीक है बोल रहा हूँ। कई सारे बंदे तो इसको नोट डाउन भी करते रहते कि सर कितनी बार ठीक है बोल रहे हैं, तो वो चीज़ों को इग्नोर करके हम मेन जो मेरा मूल है, फंडा है, वो हम देखें कि हमें मेन मूल क्या है, मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे एक एक पॉइंट को जानना है कि क्या है ये। तब डिस्टेंस के बारे में हम देखने वाले हैं, और डिस्टेंस क्या बोलता है, लेंथ ऑफ पाथ
covered by a moving an object in the given time respective of direction is called distance. उसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस, मतलब एक लेंथ, पाथ का कोई लेंथ हो जिसको कवर करता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द गिवन टाइम रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस. मतलब कोई पाथ का लेंथ जो होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करके और उसे मतलब किसी गिवन टाइम में रिस्पेक्टिव में वो उस डायरेक्शन में कवर करता है, तो उस लेंथ को ही बोला जाता है डिस्टेंस. ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है. क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी. और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होता है. एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. और नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने ऊपर ही पॉइंट में देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए अभी एक और एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाऊँगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक बॉडी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, तो उसके दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि सपोज डैट कि एक बंदा यहाँ से यहाँ पर आता है फिर यहाँ पर चला जाता है, मान लो ये 3 मीटर आया, ठीक है, और ये 4 मीटर यहाँ पर आया, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 7 मीटर, कि उसने 7 मीटर कवर किया. लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये जो आप हाइपोटेनियस इसका देख रहे हैं वो होगा, और ये कितना होता है, 5. हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा, तो ये 5 होता है. तो 5 ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा और ये जो 3 + 4 ये डिस्टेंस बताएगा, कितना होता है, 7 आएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 7 और डिस्प्लेसमेंट 5 आ जाएगा. एक तरह से एक और पॉइंट बोलूं कि सपोज डैट कि एक बंदा यहाँ से चला और ये पूरा राउंड लगा के यहाँ पे आ गया, जैसे मैं बताऊं कि एक बंदा यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा राउंड लगा के फिर बाद में यहीं पर आ गया. ठीक है, वो पॉइंट से चला और वो पॉइंट पे ही आके खड़ा हो गया. ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितना होगा, 2πr जितना होगा. कितना होगा, 2πr जितना होगा. ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से गया यहीं पे आ गया, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर नेक्स्ट कोई अगर बात करूं कि मतलब एक बंदा यहां पे हाफ सर्कल जितना कवर किया, ठीक है, मान लो यहां पे ए पॉइंट पे था और ये बी पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया. अब यहाँ से देखो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब पूरा सर्कमफेरेंस का हाफ जितना गया है, तो मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/2 हो जाएगा. ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये तो डिस्टेंस हो गया, ये जो पॉइंट है वो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, ये लेंथ, मतलब उसका डायमीटर जितना होगा, उसका डायमीटर जो भी होगा वो 2πr जितना हो जाएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरीके से याद रखना. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. फिर बाद में देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन. मतलब सपोज डैट कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कवर किया इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको ही बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन. उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोला जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा. आगे देख लेते हैं स्पीड क्या होता है. ठीक है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड से देख लेते हैं, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड भी बात करेंगे. तो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर एज ए स्पीड. स्पीड क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इज रेफर एज ए स्पीड. और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल टू बहुत आपके काम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन
टाइम होता है। तो ये पॉइंट आपने इसकी डेफिनेशन के बाद ये लिख लेना है, ठीक है। इसके डेफिनेशंस के बाद ये पॉइंट आपने लिख लेना है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने लिख लेना, ठीक है। और आगे जो बताया है, आगे शायद तो हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे ये एक्सेलरेशन वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेलरेशन वाला पॉइंट को भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन वाला पॉइंट भी हम देख लेते हैं, शायद आगे एक्सेलरेशन का पॉइंट हो। हाँ, एक्सेलरेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो शायद हमें ये पॉइंट यहाँ पर देखने को पढ़ने को मिलेगा, तो ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस यहाँ पर भी डिस्कस देख लेते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। स्पीड का जो मैंने पॉइंट बताया, ये वाला पॉइंट एक्सेलरेशन में ऐड कर देना, ठीक है, और चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम होता है। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। मतलब देखो, फाइनल वेलोसिटी को वी से इंडिकेट किया, इनिशियल वेलोसिटी को यू से इंडिकेट किया, अपन टाइम टी को किया, तो वी माइनस यू अपन टी है। अब टी को अगर मैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो क्या हो जाता है, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाता है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी, ये आ गया वी, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आ गया। आगे देख लेते हैं, ये तो एक्सेलरेशन है और टाइम है। द इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होता है, स्पीड का, यहाँ स्पीड की बातें कर रहे हैं, ध्यान देना। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन को ही बोला जाता है एवरेज स्पीड। ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्पीड दिया है और दूसरा स्पीड दिया है तो उसको हम ऐड करके और टू से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, तो नहीं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। फिर आगे देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नेम एज वेलोसिटी। मतलब स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उस स्पीड को ही वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। और इसमें जो नोट डाउन किया जाता है, जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक है। उसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है। तो वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि स्पीड एंड ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नेम एज वेलोसिटी। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो इसका क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम याद रखना, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट एज ए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं, तो डिराइव कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ये वो इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज, अभी इसको अगर मैं बोलूँ तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू भी लिख सकते हैं और टी इक्वल टू वी माइनस यू अपन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे देखिए कि अगर एस इक्वल टू मैं बोलूँ, एस इक्वल टू ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर देखिए तो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ टी इन रिप्रेजेंट फर्स्ट वी गेट, अगर फर्स्ट इसका इक्वेशन देखिए तो एस इक्वल टू यू और टी की जगह पे वी माइनस यू अपन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपन ए का होल स्क्वायर।
तो क्या वैल्यू आ रही है उसी को अगर सॉल्व करते जाएंगे तो ये देखिए इसको सॉल्व करते आए हैं तो ये वैल्यू आ गई है मेरा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैथमेटिकली है, मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू ये आ जाती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं उसमें पुट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मिल जाता है जिसको बोला जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। अभी आगे देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टर्म एज एक्सेलरेशन, को एक्सेलरेशन बोला जाता है। इज रिप्रेजेंटेड बाय द, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड निगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ये इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड निगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी के डायरेक्शन की अगर विपरीत होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेम एज ए रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि रिटार्डेशन हो रहा है या तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पथ थ्रू थ्रू दो विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेट टू बी एक्सेलरेशन एज इट चेंज इट्स डायरेक्शन एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉल, फ्रीली फॉलिंग बॉल का जो मोशन होता है उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार, कार का मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और एक बॉल मतलब ऊपर फेंका गया फिर बाद में नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं। तो पहला क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया, और अगर ये मतलब इस तरीके से अगर लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो वो बताता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन बिलो, स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसा होता है, ये इस तरफ का होता है, इट मीन्स कर्व टाइप का अगर बना हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ कर्व, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट अगर रेस्ट है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्स एक्सिस, तो उसको बोला जाता है स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसका ये आएगा। फिर बाद में आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन एज ए जिग जैग लाइन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जिग जैग लाइन आता है नॉन यूनिफॉर्म। फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी स्क्रीनशॉट लेके और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला देखो कि डिस्टिंग्यूश बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको डिस्टिंग्यूश कर देना है। नेम द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और किस टाइप का ये क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक
ठीक है, ये सारे पॉइंट बता देना है। फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर ए कार एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है कि 3:15 पर 26 का स्पीड था, 3:45 पे इतना हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए कार एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट उसका फाइंड आउट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये भी पॉइंट देख लेना। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिसीजन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो वो सारे पॉइंट हमने देखने हैं कि ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। अभी इसके बाद हम पार्ट टू देखेंगे। अब पार्ट टू में हम कुछ मेन पॉइंट देखेंगे। पार्ट टू मतलब मोशन का ही है, दूसरा मतलब इसका सेकेंड वीडियो आप देखेंगे कि सेकेंड वीडियो में मतलब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों तक ये पहुँचेगा, उतनी ज़्यादा हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आप जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।